सो आज मैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हॉन्टेड चैलेंज करने वाली हूँ, जो है म्यूजिकल चेयर रिचुअल। बंद क्यों हो गया गाइज? ये चैलेंज शायद मुझे करना ही नहीं था। आप वीडियो में देख लो कि मेरे साथ ये चैलेंज करते हुए क्या क्या पैरानॉर्मल चीजें हुई हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कभी भी रात के 12 बजे के बाद अकेले म्यूजिकल चेयर खेलते हो, देन आपके साथ क्या क्या हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आप कभी भी रात को म्यूजिकल चेयर तो नहीं खेलोगे, क्योंकि अगर आप रात को ये गेम अकेले खेलते हो, देन ये गेम आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हो, इवन आप पोजेस्ड भी हो सकते हो। गाइज, आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि मैं एवरीडे मेकअप के लिए क्या करती हूँ, वो तो मैं बताने वाली हूँ चैलेंज से पहले। यार, ये रहा मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट, जो कि लिपस्टिक। देख ही सकते हो कितने सारे शेड्स हैं। लिपस्टिक फॉर एवरी मूड। ये है मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स। गाइज, ये सारे लिपस्टिक्स ना 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करता है, एंड आप देखो बस वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में ही पूरा एकदम अच्छे से लग जाता है। इसके अंदर एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई भी है, जो हमारे लिप्स को बिल्कुल मॉइस्चराइज करके रखता है, एंड ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब सेफ टू यूज एवरी डे। एंड गाइज, आप देख सकते हो ये सारे कितने सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। जो न्यूड कलर्स है ना, उसको आप डेली यूज में यूज कर सकते हो। जो थोड़े से ब्राइट कलर्स है, इसको आप कोई भी फेस्टिव सीजन जैसे कि वेडिंग, दिवाली, हर किसी चीज में यूज कर सकते हो। इसके टोटल 17 शेड्स आते हैं गाइज, एंड आई जस्ट लव देम, एंड टोटली स्मच प्रूफ है। सो गाइज, मामाअर्थ ने लिया है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें आप जब भी मामाअर्थ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे, वो आपके ऑर्डर को लिंक करेंगे एक ट्री के साथ, जिनको वो प्लांट करेंगे, एंड बाय द ईयर 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। गाइस, लिपस्टिक के साथ साथ मेरा फेवरेट है मामाअर्थ का लॉन्ग स्टे काजल, एंड फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत ही ज्यादा मस्ट हैव है, क्योंकि इसको लगाते ही ना फेस का बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है, तो जल्दी से ले लो यार। गाइस, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको नायका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ साथ अभी आप के सामने वाले ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे, देन आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट पे 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। गाइस, म्यूजिकल चेयर गेम का शुरुआत कब या फिर किस कंट्री में हुआ था, ये कोई भी नहीं जानता। ये बहुत सेंचुरी से सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में खेला जाता है। आई एम श्योर कि आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी म्यूजिकल चेयर तो खेला ही होगा, या फिर आप सब म्यूजिकल चेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो होंगे ही। पर ये म्यूजिकल चेयर रिचुअल नॉर्मल म्यूजिकल चेयर से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल म्यूजिकल चेयर बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं बहुत सारे चेयर्स यूज करके, पर ये पैरानॉर्मल म्यूजिकल चेयर रिचुअल आपको अकेले खेलना होता है। बट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप ये गेम अपने घर पे कभी भी ट्राई मत करना। अगर आप गूगल करोगे, देन आपको क्लियरली वार्निंग दिया जाता है कि अगर आप ये गेम खेलते हो, देन आपकी लाइफ रिस्क भी हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हो, इवन आप पोजेस्ड भी हो सकते हो। क्योंकि ये गेम आप अकेले खेलना चालू तो करते हो, पर इस गेम में आप किसी आत्मा को, मतलब पैरानॉर्मल इविल स्पिरिट को इनवाइट करते हो, बुलाते हो आपके साथ गेम खेलने के लिए। सो ये चैलेंज करने में मुझे तो यार बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये रिचुअल ट्राई करने वाली हूँ। एंड मैं फिर से आपको वार्न कर रही हूँ कि ये गेम अपने घर पे कभी भी मत ट्राई करना। इस गेम को खेलने के लिए कोई एक प्लेयर होना चाहिए, और आपके पास एक कुर्सी, मतलब कि चेयर भी होना चाहिए, एक मैच बॉक्स, कैंडल्स, और आपको एक स्पेशल सॉन्ग प्ले करना होता है जो इविल पैरानॉर्मल एंटिटीज को आपके पास बुलाता है, और इस सॉन्ग का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ टिपटो थ्रू द ट्यूलिप। इस म्यूजिक को प्ले करने के लिए आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर या फिर आपकी फोन को यूज कर सकते हो। ये गेम आपको एग्जैक्ट शार्प रात के 12 बजे ही स्टार्ट करना होता है, और इस गेम को खेलने के लिए आपको एक डार्क रूम, मतलब एक अंधेरा कमरा भी चाहिए होता है।
सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अभी एकदम थोड़ा सा हमने लाइट ऑन करके रखा है, बहुत ही कम लाइट है क्योंकि अभी हम कैंडल्स जलाएंगे और कैंडल्स जलाने के बाद बिल्कुल सब लाइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा चेयर है, यहाँ पे मेरी मैचेस है और यहाँ पे है कैंडल्स। तो चलो सबसे पहले कैंडल्स जलाते हैं। लाइट ऑफ कर दो। यार पता नहीं यार, अपने आप ना ये कैंडल बुझ गया। आई डोंट इवन नो व्हाई। आज का चैलेंज का शुरुआत से इतना गलत क्यों हो रहा है मेरे साथ? सो गाइस, मैंने पूरा राउंड करके मतलब एक सर्कल बनाया है कैंडल्स का और अभी हमें ये सारे कैंडल्स जला देने हैं। यार मुझे तो ये माहौल देख के ही डर लग रहा है, पता नहीं चैलेंज कैसे करूंगी मैं। कैसा आवाज आया गाइस? आई स्वेयर बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है मुझे। अरे गाइस, अभी ये माहौल इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है ना कि यार मुझे लग रहा है कि मैं ये चैलेंज ना ही करूं। और ये चैलेंज इतना ज़्यादा रिस्की है कि आपका लाइफ रिस्क हो सकता है, इसीलिए मैंने रंजना को बोला है कि तुम कैमरा के पीछे रहो और देखो यार मेरे साथ क्या होता है नहीं होता है, मुझे ज़िंदा रहना है। तो अभी हम ये चैलेंज करने वाले हैं। तो मैं ये वाला जो मैचेस मेरे पास है, मैचेस कैंडल जो मेरे पास है, मैं इसको बुझा दूंगी। सो फाइनली गाइज, अभी हमें वो सॉन्ग प्ले करना है एंड ये चेयर को मतलब ये कुर्सी को हमें 6 टाइम्स राउंड राउंड जैसे हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं वैसे ही इस चेयर से खेलना है। यार पता नहीं, बोला जाता है जब आप वो सॉन्ग प्ले करते हो तब आप किसी ईविल स्पिरिट को बुलाते हो आपके साथ ये गेम म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए। और जब वो सॉन्ग रुकेगा तब तक आपका 6 राउंड ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाना ही पड़ेगा। और वो गाना कंप्लीट होते ही तुरंत, डर लगा यार पता नहीं क्यों, वो गाना कंप्लीट होते ही तुरंत हमें यहाँ पे बैठ जाना है और एक मैचेस जला देना है, मैचस्टिक जला देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। मेरा मोबाइल किधर है? मोबाइल दो ना, मोबाइल। ओह ओह ओह, मैं यार डर के मारे सब चीज़ भूल रही हूँ कि कहाँ पे मैंने मोबाइल रखा है। गाइस एग्जैक्ट अभी टाइम हो रहा है 11:59, ये देखो 11:59 हो रहा है अभी एग्जैक्टली। मैं ज़्यादा नज़दीक तो नहीं आ सकती बट आई होप कि आपने देख लिया कि 11:59 हो रहा है और 12 होते ही हम ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे। डर के मारे यार मुझे पानी पीने का मन कर रहा है बट मैं ये चैलेंज करके ही रहूँगी। ये जो मैचेस है मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ताकि मैं तुरंत यहाँ पे बैठ के ही स्टार्ट कर पाऊँ। ओके गाइस, ओके 12 हो चुका है एंड लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। तो मैंने ऑलरेडी वो सॉन्ग डाउनलोड करके रखा है मेरे मोबाइल पे, तो चलो इसको प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद वी आर गोना स्टार्ट द चैलेंज। तो मैं कहाँ पे रखूँगी इसको? यहाँ पे रख दूँगी। ओह गॉड यार, ये अचानक बंद क्यों हो गया? मैंने ऑन तो किया था, मुझे क्या बैठ जाना चाहिए? गाइस आई स्वेयर, आप देखो यहाँ पे प्ले किया हुआ है वीडियो बट ये नहीं चल रहा है। यार ये अकेले अकेले चलने लगा, आई स्वेयर फिर से बंद हो गया। ओह गॉड, ये कैसा सॉन्ग है यार? मुझे 6 टाइम सर्कल करना ही है, 6 टाइम मुझे सर्कल करना ही है। ओह गॉड,
हो चुका है ना, अभी भी बंद क्यों नहीं हो रहा यार? ये 6 टाइम में बंद हो जाता है, अभी भी बंद नहीं हो रहा यार। मैं कितनी बार घूमूं, ये बंद क्यों नहीं हो रहा यार? देखो यार, मुझे नहीं पता ये क्यों बंद क्यों नहीं हो रहा। What the hell? I don't know. यार मत पता नहीं क्यों बंद हो गया। ओ भाई जल क्यों नहीं रहा यार? I swear, matches मैंने जला के रखा है, ये जल नहीं रहा ब्रो। I don't know guys, ये कैसा चैलेंज था? I have no freaking idea कि ये कैसा चैलेंज था यार। सच्ची बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे कभी शायद डर नहीं लगा होगा। पहले मैंने गाना ऑन किया, वो अपने आप बंद हो गया, बट आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि वो ऑन था, ठीक है, एंड मैंने उसको डाउनलोड करके रखा था, तो ऐसे बंद होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइस आई हैव नो आइडिया यार, आपको मैं दिखाई भी दे रही हूँ या नहीं, ये अजीब माहौल, ये महा अजीब गाना, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मैं अभी बात करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ, तो अगर आपको ऐसे हॉरर चैलेंज देखना है तो आप देख लेना। मैं आपसे बाद में मिलूंगी, अभी के लिए बाय।